हाय फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही फेमस मिठाई लेकर के, जिसको बबल की मिठाई कहते हैं। ये मिठाई मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बबल की मिठाई कैसे बनती है? इसलिए मैंने 6 बड़े साइज के परवल लिए हैं। मेरा लगभग 200 ग्राम के लगभग ये मावा है। आधी कटोरी पीसी हुई चीनी, 1 कटोरी खड़ी चीनी जिसको मैं चाशनी में यूज़ करूँगी, ये मेरे कटे हुए बादाम हैं। सबसे पहले हमें एक परवल को लेना है और ऐसे दोनों तरफ से काट के इस तरीके से छील के रखना है। ये देखिए, मैंने सारे परवल को इस तरीके से छील लिया है। हमारे परवल पहले से ही वॉश किए हुए थे, इसलिए अब दोबारा से इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है। हमें परवल में ऐसे एक हल्का सा कट लगाना है। ये देखिए, हमने परवल में ऐसे छीला लगा के रख दिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ। हमने थोड़ा सा पानी एक पैन में बॉईल करने के लिए रखा है। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो उसमें हमें परवल को डालना है। ये देखिए, हमारा पानी बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें धीरे धीरे सारे परवल को डाल देंगे। 1/2 चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा। हमें परवल को 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है, बाद में 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। इसे बस 5 मिनट तक ऐसे रहने दें। अब हम मिक्सिंग की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैंने सारा मावा डाला है, अंदाज से पीसी चीनी, थोड़ी सी पीसी चीनी हम लोग रख लेंगे बाद में परवल की कोटिंग के लिए। ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए बादाम मैंने डाले हैं इसमें। और ये देखिए, हमारा मावा रेडी हो गया है। हमारा 5 मिनट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे पानी से। वापस से उसी पैन में एक तार की चाशनी बनानी है हमें। मैंने 1 कटोरी चीनी डाली थी और 1 कटोरी पानी। अब चीनी को घुलने तक हमें इसे बॉईल करना है। ये देखिए, हमारी चीनी बिल्कुल घुल गई है। इसे अभी हमें 5 मिनट तक ऐसे ही बॉईल करना है। परवल हमारा ठंडा हो गया है, बस हमें इसके अंदर का सारा गुदा निकाल लेना है। ये देखिए, हमारा परवल बिल्कुल अंदर से खाली हो गया है। इसी तरीके से हमें सारे परवल को कर लेना है। अब हमें चाशनी में इसे डाल देना है, 5 मिनट तक खौलाना है और 1 घंटे तक इसको ढक करके रख देना है, चाशनी बंद करके। 5 मिनट तक हमें ऐसे ही इसे उलट पुलट के चलाते रहना है। देखिए, हमारा परवल थोड़ा सा चमक रहा है। ऐसे में बस हमें गैस बंद कर देना है और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है चाशनी में। 1 घंटा हो गया है, ये देखिए हमारा परवल। अब इसे हम ऐसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब परवल को ऐसे हम खोलेंगे और इसके अंदर ये स्टफिंग डालेंगे। हमारी परवल की मिठाई रेडी है। इसे मैंने कटे हुए बादाम से गार्निश किया है और बस ये रेडी टू सर्व। तो देखा आपने हमारी परवल की मिठाई कैसे बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे अपने किचन में बनाएं। और हाँ, मुझे फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।